आजकल फिर आप एक नए वायरस के बारे में सुन रहे होंगे जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस H2N3 का नाम दिया जा रहा है। सच्चाई ये है कि अब हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। कभी कोविड, कभी फ्लू, कभी इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और सच्चाई ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास वायरस के लिए कोई स्टीक समाधान अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुछ स्ट्रेन्स के लिए वैक्सीनेशन जरूर उपलब्ध है, लेकिन वायरस इतना स्मार्ट होता है कि वो बार बार और हर बार अपना रूप बदल कर आता है, और जितना जल्दी से वो रूप बदलता है उतना जल्दी उसकी दवा या वैक्सीन डेवलप होना संभव नहीं है। अब सिर्फ हमारी इम्यूनिटी और हमारी अच्छी हेल्थ ही हमें इन वायरस अटैक से बचा सकती है। इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा और पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव लाइफस्टाइल, इनके अलावा और कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। हर किसी का शरीर अलग तरीके का है, हर किसी की इम्यूनिटी डिफरेंट लेवल पे है। एक ही तरह के नुस्खे सबके लिए कई बार कारगर नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, खान पान में कुछ बेसिक बदलाव जो बहुत कॉमन है, लगभग सभी को करने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो आप कुछ भी कर लें, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रखें, बार बार डिटॉक्सिफिकेशन कोर्सेज को लें, बहुत ज़्यादा बुरे खान पान से, बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं, विटामिन सी, गुड़ुची या फिर गिलोय वगैरह का नियमित रूप से आप सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको एसिडिटी डेवलप करती हैं, कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं, उन चीज़ों से बचें, ज़्यादा तनाव से भी बचें, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस भी हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस में एकदम से अपने खान पान में, रहन सहन में एकदम से बदलाव ना लेकर के आएँ, ग्रेजुअल तरीके से, बिकॉज जितने भी ये वायरस या इन्फ्लुएंजा अटैक्स हैं या फ्लू अटैक्स हैं, वो सीजनल चेंज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस वक्त जो आयुर्वेद का जो नियम है, ऋतुचर्या, उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर इन चीज़ों से आप बच सकते हैं तो डेफिनेटली यही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका इन चीज़ों से बचने का नहीं है। अपने आप को फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए या किसी भी तरह के वायरल अटैक के लिए तैयार करके रखें। अभी पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और तरह तरह की बीमारियां हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू।